we are looking at some questions in fractions. Okay, this is fractions lesson. तो इसमें हम लोग देख रहे हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के क्वेश्चंस, ठीक है. एड द फॉलोइंग 3/4 प्लस 4/5 प्लस 6. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 3/4 प्लस 4/5 प्लस 6. तो 6 होल नंबर है तो इसको हम लोग लिखते हैं 3/4 प्लस 4/5 प्लस 6/1. ये तीनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए वील टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. तो 4 और 5 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 4, 5. तो 4 एंड 5 आर कोप्राइम नंबर्स. 4 एंड 5 कैसे नंबर्स हैं? कोप्राइम नंबर्स. तो अगर ये कोप्राइम नंबर्स है तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 इज 20, क्योंकि एलसीएम ऑफ कोप्राइम नंबर्स होता है उनका प्रोडक्ट. नाउ वी विल राइट 4 एज 4 इंटू 5, क्योंकि 4 को 20 बनाना है. तो दिस इज 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4, 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 20, 6 इंटू 20. तो दिस इज 15/20 प्लस 16/20 प्लस 120/20. तो 120, 15 और 16 को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये बन गए सारे लाइक फ्रैक्शंस. 6 प्लस 5 11, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 151. सो दिस इज 151/20. लेकिन ये बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. व्हाई? बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. तो इसलिए 151 को 20 से डिवाइड करते हैं. 27 ज़ा 140, रिमाइंडर इज 11. तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं, पहले डिनोमिनेटर 20 लिख देते हैं, उसके ऊपर रिमाइंडर, बाजू में कोशेंट. ये आ गया आपका इसका आंसर. ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं अभी. 2 3/5 प्लस 3/7 प्लस 5. ये 2 3/5 जो है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है. इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे डायग्राम बनाते हैं, इनटू एंड प्लस. तो दिस इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3/5 प्लस 3/7 प्लस 5/1. ठीक है, तो ये बना 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 13/5 प्लस 3/7 प्लस 5/1. अभी ये तीनों अनलाइक फ्रैक्शन है तो अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले अपने को लेना पड़ेगा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स. ठीक है, सो वी विल टेक एलसीएम ऑफ 5 एंड 7. बट 5 एंड 7 आर कोप्राइम नंबर्स. ओके, सो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इज 5 इंटू 7 विच इज 35. तो अभी इनको लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं. 5 को 35 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई किया, 13 को 7 से, 7 को 35 बनाने के लिए 5 से,
थ्री को फाइव से, वन को 35 से, फाइव को 35 से. सो दिस बिकम्स 13 7 91/35 प्लस 15/35 प्लस 175/35. सो 91, 15 एंड 175 को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये बन गए लाइक फ्रैक्शंस. 5 + 5 10 + 1 11 8 + 1 9 + 9 18 281. सो दिस इज 281/35. अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स्ड में. तो 35 का टेबल देखते हैं. व्हाट इज 35 × 6? 210. सो व्हाट इज 35 × 8? 280, राइट? सो दिस इज डिनोमिनेटर 35, ऊपर रिमाइंडर 1 और बाजू में कोशेंट 8. ओके, तो ये बन गया इसका आंसर. सेकंड क्वेश्चन, फाइन. सो लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सी. सिक्सटीन बाय ट्वेंटी प्लस 4/5 प्लस 3/10. ओके, तो तीनों अनलाइक फ्रैक्शन है, लेकिन पहला वाला जो 16/20 है उसको हम लोग सिंपल कर सकते हैं बिकॉज वी कैन रिड्यूस 16/20 टू इट्स लोएस्ट टर्म्स, बिकॉज 16 और 20 दोनों इवन नंबर्स है. तो हम लोग क्या करते हैं, वी टेक एच सी एफ ऑफ 16 एंड 20. तो वी डिवाइड 20/16. 16 × 1 = 16. तो ये बन गया एच सी एफ. तो 16/20 का सिंपलेस्ट फॉर्म बनाते हैं, 16/4, 20/4, तो दिस इज 4/5. सो नाउ द फ्रैक्शन बिकम्स, एडिशन बिकम्स 4/5 प्लस 4/5 प्लस 3/10. ओके, तो तीन फ्रैक्शन को ऐड करना है. डिनोमिनेटर दो है, इनमें से दो अनलाइक फ्रैक्शन है. सो टू मेक देम लाइक फ्रैक्शन वी टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, दैट इज 5, 10. तो 5 और 10 का एलसीएम लेते हैं. 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 2 × 1 = 2. सो व्हाट इज एलसीएम ऑफ 5, 10? इट इज 5 × 2 विच इज 10. तो अभी इसको लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं. 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया. ये 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया. 10 विल रिमेन एज इट इज. ओके, सो दिस बिकम्स 8/10 प्लस 8/10 प्लस 3/10. अभी ये बन गया लाइक फ्रैक्शंस. तो 8 + 8 = 16 + 3 = 19. 8 + 8 + 3/10 विच इज 16 + 3 = 19/10. ये बन गया इम्प्रॉपर. तो इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करने के लिए 19 को 10 से डिवाइड करते हैं. 10 × 1 = 10, रिमाइंडर इज 9. सो दिस इज इक्वल टू 1
9 by 10, that is the answer. Okay, next. Let's do the next question. D देखते हैं अभी. C by 2 plus 6 by 36 plus 21 by 6. 6 by 36. इसको simplest form में convert कर देते हैं. 6 by 36. Okay. तो इसको 6 को लिखते हैं, 6 into 1, 36 को लिखते हैं, 6 into 6, 6 1 जा, 6 1 जा, ये बन गया 1 by 6. Similarly, 21 by 6, 21 को लिखते हैं 3 into 7, 6 को लिखते हैं 3 into 2, ये कट गया, तो ये बन गया 7 by 2. So this is 3 by 2 plus 1 by 6 plus 7 by 2. अभी ये तीनों अनलाइक फ्रैक्शन है, तो लेते हैं एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. वी विल टेक एलसीएम ऑफ 2 एंड 6, 2 कॉमा 6, 2 वन जा, 2 थ्री जा, तो क्या हुआ एलसीएम ऑफ 2 एंड 6 इज 2 इंटू 3 विच इज 6. तो 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 को ऐसे ही रखा, 2 को 3 से, 7 को 3 से, सो दिस बिकम्स 9 बाय 6 प्लस 1 बाय 6 प्लस 21 बाय 6, तो ये बन गया लाइक फ्रैक्शन. अभी न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, 9 प्लस 1 प्लस 21 अपॉन 6 which is 10 plus 21, 31 upon 6. 31 upon 6 improper fraction है. So I divide 31 by 6. 6 5s are 30. Remainder is 1. So this is upon 6, upper remainder, बाजू में quotient. ठीक है? Let's look at the next question. One, solve and verify whether the given answers are correct. 1 plus 1 by 5 is 1, 1 by 5. Pehla wala dekhte hain. Solve karna. 1 plus 1 by 5. Ye unlike fractions hai. So 1 ko likhte hain hum 1 upon 1 plus 1 upon 5. So what is LCM of 1 and 5? 1 और किसी भी नंबर का एलसीएम वही नंबर होता है. 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा. तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, इस ऊपर के 1 को भी 5 से, दिस बिकम्स 5 बाय 5 प्लस 1 बाय 5. अभी ये बन गए लाइक फ्रैक्शंस, तो दिस बिकम्स 5 प्लस 1 अपॉन 5 व्हिच इज 6 बाय 5. ये इंप्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मिक्स्ड है 1, 1 by 5. तो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व एंड वेरीफाई whether the given answers are correct. Correct है, करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 1 माइनस हाफ, तो 1 इज 1 अपॉन 1 माइनस हाफ, सो दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस, सो वी टेक एलसीएम ऑफ 1 and 2 which is 2. तो 1 को 2 बनाने के लिए 2 से multiply किया, इसको 2 से multiply किया, minus half, so this became 2 by 2 minus half. अभी ये like fraction बन गए, so this became 2 minus 1 upon 2 which is 1 by 2. Correct answer. Okay, next. 3 plus half का आंसर निकालना है. तो 3 plus half, 3 is 3 by 1 plus half. तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो वी नीड एलसीएम ऑफ 1 एंड 2 व्हिच इज 2. तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस
वन बाय टू विच इज सिक्स बाय टू प्लस वन बाय टू, तो ये लाइक फ्रैक्शन बन गए. दिस इज सिक्स प्लस वन अपॉन टू विच इज सेवन बाय टू, एंड सेवन बाय टू इज थ्री एंड अ हाफ. ये हो गया. टू माइनस वन बाय फोर, डी वाला देखते हैं. टू माइनस वन बाय फोर, ये टू नहीं है, दिस इज टू बाय वन माइनस वन बाय फोर. तो वी नीड एलसीएम ऑफ वन एंड फोर विच इज फोर. तो वन को फोर करने के लिए फोर से मल्टीप्लाई किया, टू को फोर से मल्टीप्लाई किया, माइनस वन बाय फोर. सो दिस इज एट बाय फोर माइनस वन बाय फोर. ये लाइक फ्रैक्शन बन गया. सो दिस इज एट माइनस वन अपॉन फोर विच इज सेवन बाय फोर. सेवन बाय फोर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मिक्स फ्रैक्शन बनेगा वन थ्री बाय फोर. दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट ई, टू प्लस थ्री बाय टू, दिस इज नॉट टू, दिस इज टू बाय वन प्लस थ्री बाय टू. तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, सो वी विल टेक एलसीएम ऑफ वन एंड टू विच इज टू. तो वन को टू बनाने के लिए टू से मल्टीप्लाई करते हैं, टू को टू से प्लस थ्री बाय टू. तो दिस इज फोर बाय टू प्लस थ्री बाय टू. ये लाइक फ्रैक्शन बन गया, तो ये बना फोर प्लस थ्री अपॉन टू विच इज सेवन बाय टू विच इज थ्री एंड अ हाफ. राइट, करेक्ट. फोर प्लस थ्री सेवन बाय टू, टू प्लस थ्री बाय टू, टू टू जो फोर प्लस थ्री सेवन बाय टू. ओके, सो दिस इज थ्री एंड हाफ. तो ये आंसर नहीं जमा. क्यों नहीं जमा? बिकॉज दिस इज अ होल नंबर एंड दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है वो कभी भी प्रॉपर होता है. तो इसलिए ये इनका आंसर गलत है. करेक्ट आंसर इज थ्री एंड हाफ. ओके, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर एफ. सेवन बाय टू माइनस वन बाय थ्री. तो दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस, सो वी नीड एलसीएम ऑफ टू एंड थ्री. एंड टू एंड थ्री आर, टू एंड थ्री आर को प्राइम नंबर्स. Therefore, LCM of 2 and 3 is 2 into 3, which is 6. So, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया. So, this is 21 by 6 minus 2 by 6. So, ये like fraction बन गया. So this is 21 minus 2 upon 6 which is 19 by 6. So ये जो 19 by 6 है ये improper fraction है. तो इसको हम लोग mixed बनाते हैं, 19 को 6 से divide करते हैं. 6 3 is 18, remainder is 1. So this is 1 by 6 and 3. Next question देखते हैं. Solve the following. ए वाला देखते हैं. फोर माइनस वन बाय सिक्स, तो ये फोर नहीं है, दिस इज फोर अपॉन वन माइनस वन बाय सिक्स. ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है, सो वील टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ वन एंड सिक्स. लेकिन वन और किसी भी नंबर का एलसीएम वही नंबर होता है. एलसीएम ऑफ वन एंड सिक्स इज सिक्स, तो इसलिए वन को सिक्स बनाते हैं, फोर को सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं,
So this became 24 by 6 minus 1 by 6. So we like fractions ban gayi hai. So this is 24 minus 1 upon 6, which is 23 by 6. 23 ko 6 se divide karte hai. 6 3 is 18. Remainder is 5. So this is equal to upon 6, remainder 5, quotient 3. Ye ho gaya first question. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं भी. थ्री एंड हाफ माइनस वन एंड हाफ. तो पहले तो थ्री एंड हाफ जो मिक्स्ड है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं इनटू प्लस. टू इंटू थ्री प्लस वन अपॉन टू विच इज सिक्स प्लस वन अपॉन टू विच इज सेवन बाय टू एंड वन एंड हाफ. टू इंटू वन प्लस वन. 2 into 1 plus 1 upon 2, which is 2 plus 1 upon 2, which is 3 by 2. तो ये हो गया कन्वर्जन. अभी काम करते हैं प्रॉब्लम पे. 3 and a half क्या है? 7 by 2. 1 and a half क्या है? 3 by 2. ये बन गए like fractions. So we will make this 7 minus 3 upon 2, which is 4 by 2. But fraction is division, so 4 divided by 2 is 2. This is the answer. Next, question number C. 6 minus 5, 4 by 5. So, pehle 5, 4 by 5 ko improper mein convert kar lete. Diagram 5 into 5 plus 4. 5 into 5 plus 4 upon 5. Which is 25 plus 4 upon 5, which is 29 by 5. और 6 को लिखते हैं 6 by 1 minus 29 by 5. अभी unlike fractions है, तो we need LCM of 1 and 5, which is 5. तो 1 को 5 करने के लिए 5 से multiply करते हैं, 6 को भी 5 से multiply करते हैं, minus 29 by 5. Which is 30 by 5 minus 29 by 5. Like fractions ban gaye. 30 minus 29 upon 5, which is 1 by 5. This is the answer. Let's look at question number D. 11 and a half minus 23 by 4. 11 and a half is a mixed fraction, so we'll convert it into an improper fraction. So 11 and a half into plus 2 into 11 plus 1 upon 2, which is 22 plus 1 upon 2, which is 23 by 2. So this becomes 23 by 2 minus 23 by 4. So these are unlike fractions, so we'll take LCM of 2 and 4. So 2 or 4 ka LCM, 2 1s are 2 2s are 2 1 1. So LCM of 2 and 4 is 2 into 2, which is 4. So this is equal to 2 into 2, 23 into 2 minus 23 by 4. 23 into 2 is 46 by 4 minus 23 by 4. Like fractions ban gaye. So isko simplify karte hai abhi. So this is 46 minus 23 by 4, which is 23 by 4. Aur ye improper hai to mixed mein convert karte hai. 23 ko 4 se divide karte hai. 4 5s are 23. So upon 4 remainder 3 quotient 5. Okay. Next. Question number E. 34 by 7 minus 2 1 by 14. So sabse pehle 2 1 by 14 ko hum improper mein convert karte hai. 14 into 2 plus 1. So this is 14 into 2 plus 1 upon 14.
which is 28 plus 1 upon 14, which is 29 by 14. So this is 34 by 7 minus 29 by 14. So yeah, unlike fractions, so we take LCM of 7 and 14. तो 7 एंड 14 का एलसीएम लेने के लिए पहले 7 से डिवाइड करते हैं, फिर 2 से डिवाइड करते हैं. तो एलसीएम ऑफ 7 एंड 14 कितना हुआ? 7 इंटू 2 विच इज 14. तो अभी ये 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. दिस इज 34 इंटू 2 माइनस 29 बाई 14. सो व्हाट इज 34 इंटू 2? 34 into 2 is 68 by 14 minus 29 by 14. So 68 minus 29, 18 minus 9 is 9, 5 minus 2 is 3. So ye bana 68 minus 29 upon 14, which is 39 upon 14. Aur ye improper fraction hai. So isko mixed mein convert karna padega. So this is 39 divided by 14. 14 2s are 28. Minus 11. So this is 2 11 by 14. That is the answer. Next, F 3 1 by 4 minus 1 4 by 5. So pehle mixed ko improper mein convert kar. 3 1 by 4. 4 into 3. Plus 1. This is 4 into 3 plus 1 upon 4, which is 12 plus 1 upon 4, which is 13 by 4. Okay? Fine. 1 4 by 5. 5 into 1 plus 4, which is 5 into 1 plus 4 upon 5, which is 5 plus 4 upon 5, which is 9 by 5. So this is, what is 3 1 by 4? It is 13 by 4. What is 1 4 by 5? 9 by 5. So ye unlike fractions ban gaye. Abhi inko like banane ke liye we'll have to take LCM of denominators. So LCM of 4 and 5. 4 and 5 are co-prime numbers. So LCM is 4 into 5, which is 20. So 4 into 5, 13 into 5, 20 बनाया 4 को, 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, 9 into 4. So this is 65 by 20 minus 36 by 20. So 65 minus 36, 50 minus 6, 9, 5 minus 3. So this is 29 by 20. लेकिन ये इम्प्रॉपर है, तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं. 21 जा 20, रिमाइंडर इज 9. सो दिस इज 1 9 बाय 20. दिस इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. 5 का फर्स्ट देखते हैं. 1 1 बाय 3 प्लस 2 1 by 4 minus 2 and a half. So 1 1 by 3 ko convert karte hain hum improper mein into plus 3 into 1 plus 1 upon 3, which is 3 plus 1 upon 3, which is 4 by 3. 2 1 by 4, 4 into 2 plus 1. 4 into 2 plus 1 upon 4, which is 8 plus 1 upon 4, which is 9 by 4. 2 and a half. 2 into 2 plus 1. 2 into 2 plus 1 upon 2, which is 4 plus 1 upon 2, which is 5 by 2. So ye kya bana abhi dekho. Ye bana 1 1 by 3 matlab 4 by 3 plus 9 by 4 minus 5 by 2. So, ye unlike fractions. So, we will have to take LCM.
एलसीएम निकालना है, 3, 4 and 2. सो लेट्स डिवाइड बाय 3, 1, 4, 2. लेट्स डिवाइड बाय 2, 1, 2, 1. लेट्स डिवाइड बाय 2, 1, 1, 1. सो व्हाट इज द एलसीएम? इट इज 3 × 2 × 2 विच इज 12. सो 3 का 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का 12 बनाने के लिए 6 से, 5 को 6 से. सो दिस इज 16/12 प्लस 27/12 माइनस 30/12. ये सारे लाइक फ्रैक्शन बन गए, अभी न्यूमरेटर पे काम करते हैं. सो दिस इज 16 प्लस 27 माइनस 30 अपॉन 12. तो 16 प्लस 27 कितना होता है? 7 प्लस 6 13, 43. 43 माइनस 30 13. तो आंसर इज 13/12. लेकिन ये 13/12 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? मिक्स्ड. तो ये तो इजी है, दिस इज अपॉन 12, रिमाइंडर 1 आएगा, क्वेश्चन भी 1 आएगा. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन बी, 4 माइनस 1/3 प्लस 2, 2/5. तो 2, 2/5 का स्टोरी कर देते हैं. दिस इज 5 × 2 + 2 upon 5 विच इज 10 + 2 upon 5 विच इज 12/5. सो दिस इज 4/1 कर देते हैं प्लस 12/5. तो ये तीनों अनलाइक फ्रैक्शन है, तो अपने को लेना पड़ेगा एलसीएम, एलसीएम ऑफ 1, 3 and 5. तो 1, 3 and 5 का एलसीएम ले गए, 1 को भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. 3 और 5 कैसे नंबर है? 4 प्राइम. तो एलसीएम इज 3 × 5 विच इज 15, क्योंकि एलसीएम ऑफ 4 प्राइम नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट. तो 1 को 15 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 15 बनाने के लिए 5 से, 1 को 5 से, 5 को 15 बनाने के लिए 3 से, 12 को 3 से. सो दिस इज 60/15 माइनस 5/15 प्लस 36/15. ये लाइक फ्रैक्शन बन गए, अभी इसको ऐसे लिखते हैं, 60 - 5 + 36 upon 15. तो 60 - 5 बन गया 55. 55 + 36, 5 + 6, 11, 91. सो दिस इज 91/15. और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करते हैं. 15, 6 are 90, रिमाइंडर इज 1. सो दिस इज अपॉन 15, 1 and 6. ये बन गया इसका आंसर. नेक्स्ट सी देखते हैं, 2/5 + 3, 4/5 + 2, 1/3. तो पहले मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कर देते हैं. 3, 4/5, 5 × 3 + 4, 5 × 3 + 4 upon 5 विच इज 15 + 4 upon 5 विच इज 19/5. 2, 1/3, 3 × 2 + 1, 3 × 2 + 1 upon 3 विच इज 6 + 1 upon 3 विच इज 7/3. तो अभी इसको लिखते हैं हम, so this becomes 2/5 + 3, 4/5 क्या है? 19/5 प्लस 2, 1/3 क्या है? 7/3. तो वी नीड टू टेक एलसीएम ऑफ 5 and 3. लेकिन ये कैसे नंबर्स है? को प्राइम नंबर्स, इसलिए उनका एलसीएम क्या होगा?
3 into 5 which is 15. तो 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बना 6 by 15 plus 57 by 15 plus 35 by 15. तो 6, 57 और 35 इनको ऐड करना है. 7 plus 5, 12 plus 6, 18, 5 plus 4, 9. So this is 98 by 15. लेकिन ये तो improper fraction है. तो 98 को 15 से divide करते हैं. 15, 6 और 90. रिमाइंडर इज 8. तो इसको लिखते हैं अपॉन 15, ऊपर लिखते हैं रिमाइंडर, बाजू में क्वेश्चन. लेट्स लुक एट डी, क्वेश्चन नंबर डी. 4 2 बाय 5 माइनस 1 बाय 3 माइनस हाफ. तो पहले 4 2 बाय 5 का स्टोरी करते हैं. 5 into 4 plus 2, 5 into 4 plus 2 upon 5, which is 20 plus 2 upon 5, which is 22 upon 5. तो ये बना 22 upon 5 minus 1 by 3 minus 1 by 2. तो अपने को लेना LCM of 5, 3 and 2. क्यों? Because they are unlike fractions, you have to make them like fractions. तो LCM of 2, 3, 5 या 5, 3, 2 कोई फर्क नहीं पड़ता. 2, 1, 3, 5. 3, 1, 1, 5. 5, 1, 1, 1. So what is LCM of 5, 3, 2? This is 2 into 3 into 5. 3 to the 6, 5 is a 30. तो अभी 5 को 30 बनाना है. तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं. 22 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं. 3 को 30 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 10 से. 2 को 30 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया. 6 2 जा 12, 132 अपॉन 30 माइनस 10 बाय 30 माइनस 15 बाय 30. सो दिस इज इक्वल टू, अभी लाइक फ्रैक्शंस बन गया. 132 माइनस 10 माइनस 15 अपॉन 30. 132 माइनस 10 कितना बना? 122. 122 माइनस 15 107. सो दिस इज 107 अपॉन 30. लेकिन ये इम्प्रॉपर है, तो 107 को 30 से डिवाइड करना पड़ेगा. 33 जा 90 17. सो दिस इज अपॉन 30, रिमाइंडर 17, बाजू में क्वोशंट 3. ओके, ये देखते हैं. अभी 3 5 बाय 7 माइनस 2 बाय 3 प्लस 4. तो पहले 3 5 बाय 7 का स्टोरी करते हैं. 3 5 बाय 7, 7 इंटू 3 प्लस 5, 7 इंटू 3 प्लस 5 अपॉन 7, विच इज 21 प्लस 5 अपॉन 7, विच इज 26 बाय 7. तो ये बना मेरा 26 बाय 7 माइनस 2 बाय 3 प्लस 4 बाय 1. तो ये तीनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. ओके, इसको हमें कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शंस में. ठीक है, तो वी विल टेक एलसीएम ऑफ 7 एंड 3. तो 7 और 3 को प्राइम नंबर्स है क्योंकि वो खुद प्राइम नंबर्स. सो एलसीएम ऑफ 7 एंड 3 इज 7 इंटू 3 विच इज 21. तो 7 को 21 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, 26 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 21 बनाने के लिए 7 से, 2 को 7 से, और 1 को 21 बनाने के लिए 21 से, इसलिए 4 को 21 से मल्टीप्लाई किया. तो 26 इंटू 3
2 जा 6 7 78 दिस इज 78 बाय 21 माइनस 14 बाय 21 प्लस 21 इनटू 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 84 अपॉन 21 सो दिस इज 78 वी लाइक फ्रैक्शन बन गए 78 माइनस 14 प्लस 84 अपॉन 21 78 माइनस 14 कितना हुआ 64 प्लस 84 4 प्लस 4 8 8 प्लस 6 14 सो दिस इज 148 अपॉन 21 ठीक है तो 21 का टेबल लिखते हैं अभी 21 इंटू 6 6 वन जा 6 6 टू जा 12 126 प्लस 21 7 147 तो दिस विल बिकम अपॉन 21 रिमाइंडर 1 क्वेश्चन 7 तो ये था ई फॉर एलिफेंट एनीवे लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर एफ 2 प्लस हाफ प्लस 1 बाय 4 तो ये 2 नहीं है ये 2 है 1 है तो अपने को चाहिए एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 क्यों क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शंस है तो 2 और 4 का एलसीएम निकालते हैं 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 जा सो एलसीएम इज 2 इंटू 2 विच इज 4 सो दिस इज 1 इंटू 4 1 को 4 बनाया 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया 1 को 2 से एंड 1 बाय 4 सो दिस इज 8 बाय 4 प्लस 2 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 तो लाइक फ्रैक्शंस बन गए ऐड कर दो 8 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 4 विच इज 8 प्लस 3 11 बाय 4 11 बाय 4 4 2 is 8, remainder is 3. So upon 4, upper remainder, baju mein quotient. Okay? Next. 4 word problems baki hai. Okay? 4 word problems baki hai. To wo karenge, to ye exercise khatam ho jayega. Okay? So let's see question number 6 काफी बड़ा लेक्चर है ये ठीक है question number 6 देखते हैं Sneha's father bought 2 by 3 kg of potatoes potatoes कितने खरीदे 2 by 3 kg 2 1 by 3 kg of tomatoes tomatoes कितने खरीदे 2 1 by 3 kg लेकिन ये कौन सा फ्रैक्शन है मिक्स फटक से इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं सो दिस इज 3 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 3 विच इज 6 प्लस 1 अपॉन 3 विच इज 7 बाय 3 kg टोमेटो एंड 3 1 बाय 4 kg ऑफ ब्रिंजाल्स ब्रिंजाल भी खरीदे ब्रिंजाल मतलब वांगे कितने खरीदे 1 by 4 kg इसको भी कन्वर्ट कर देंगे 4 into 3 plus 1 so this is 4 into 3 plus 1 upon 4 which is 12 plus 1 upon 4 which is 13 by 4 kg and 1 kg of turnips from the vegetable market turnip कितने खरीदे 1 kg क्वेश्चन क्या है फाइंड द टोटल मास ऑफ द वेजिटेबल्स बॉट बाय हिम टोटल मास क्वांटिटी टोटल कितना है टोटल 2 बाय 3 प्लस 7 बाय 3 प्लस 13 बाय 4 प्लस 1 इसको ऐड करना है तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस का क्वेश्चन बन गया अब इसको सॉल्व करते हैं 3 और 4 का एलसीएम लेना है क्यों क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शंस है 1 को लिखा 1 बाय 1 तो व्हाट इज एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 3 एंड 4 कैसे नंबर्स है
3 and 4 are co-prime numbers. So LCM of 3 and 4, and 3 and 4 are co-prime numbers. So इसलिए LCM of 3 and 4 क्या होगा? 3 into 4, which is 12. तो 3 को 12 बनाते हैं, प्लस 3 को 12 बनाते हैं, प्लस 4 into 3, 13 into 3, प्लस 1 into 12, 1 into 12. So this is 8 by 12 plus 28 by 12 plus 39 by 12 plus 12 by 12. So ये सारे like fraction बन गए. अब इसको add करते हैं. 8 और 28 का sum हो गया 36. 36 plus 12 48. देखो ये क्या कर रहा हूँ मैं. 8 plus 28 plus 39 plus 12 divided by 12. तो ये 36 बन गया, 36 प्लस 12 48 हो गया, 48 और 39 को ऐड करना है, 9 प्लस 8 17, 4 प्लस 4 8, सो दिस इज 87 अपॉन 12, ओके, 28 प्लस 8 36 प्लस 12 48 प्लस 30 78 87, 87 और 12 ये दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं, तो 87 को लिखता हूँ मैं 3 इनटू 29 और 12 को लिखता हूँ 3 इंटू 4, तो ये 3 3 कैंसिल हो गया, तो ये बना 29 बाय 4 विच इज 7 1 बाय 4. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 7. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. A snack shop bought 8 2x5 liter of oil for making bananas. कितना oil purchase किया? Oil purchased 8 2x5 liter. Mixed fraction है, improper में convert कर दो. Into plus. So this is 5 into 8 plus 2 upon 5 which is 40 plus 2 upon 5 which is 42x5 liters. 1 3x4 liter of oil was left at the end of the day. बचा कितना? Left मतलब oil left. Left मतलब remaining. कितना बचा है? 1 3x4 into plus 4 into 1 plus 3 upon 4 which is 4 plus 3 upon 4 which is 7x4 liter. इतना बच गया. How much oil was used? तो जितना use हुआ वो कैसे पता चलेगा? Oil used, तो जितना खरीदा उसमें से जितना बचा वो minus करेंगे हम. 7x4 को minus किया. Unlike fractions है, so we'll take LCM of 5 and 4. 5 and 4 are co-prime numbers, so LCM is 5 into 4, which is 20. तो 5 को 20 बनाने के लिए 4 से multiply किया, 42 को 4 से multiply किया, minus 4 into 5, 7 into 5. 4 2s are 8, 4 4s are 16, 7 5s are 35. तो लाइक फ्रैक्शन बन गए 168 माइनस 35 अपॉन 20. तो 168 माइनस 35, 8 माइनस 5 3, 6 माइनस 3 3 133. सो दिस इज 133 अपॉन 20. तो 133 को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा. 26 जा 120, रिमाइंडर इज 13. तो ये बन गया 6 13x20 लीटर. इतना ऑयल उसने यूज किया इसके लिए, बनानास बनाने के, वेफर्स बनाने के लिए, फॉर मेकिंग बनानास. बनाना वेफर्स होगा, बनाना कैसे बनाएगा वो ऑयल से? ऑयल से बनाना नहीं बनता.
Let's look at question number 8. Albert finished reading a storybook in 4.5 hours and Nisha finished reading the same storybook in 2 by 3 hours. So time for Albert. Kitna time laga Albert ko? 4.5, which is 2 into 4 plus 1 upon 2, which is 8 plus 1 upon 2, which is 9 by 2 hours. ये अल्बर्ट को टाइम लगा. निशा फिनिश रीडिंग द सेम स्टोरी बुक इन 4 2 by 3 hours. टाइम फॉर निशा. निशा को कितना टाइम लगा? 4 2 by 3, विच इज इनटू एंड प्लस 3 into 4 plus 2 upon 3, विच इज 12 plus 2 upon 3, विच इज 14 by 3 hours. ठीक है. हु फिनिश्ड अर्लियर एंड हाउ मच अर्लियर. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. तो सबसे पहले अपने को यह पता करना पड़ेगा कि दोनों में से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है. ठीक है, तो 9 by 2 और 14 by 3 को अपने को करना पड़ेगा कंपेयर. कंपेयर करके जो बड़ा है पहले वो डिसाइड करेंगे कौन बड़ा है. देखो 9 3 is 3 into 9, इसका आंसर आया 27. 2 into 14, इसका आंसर आया 28. ये बड़ा है तो इसलिए 9 by 2 इज लेसर देन 14 by 3. ओके फाइन. तो क्वेश्चन क्या है? हु फिनिश्ड अर्लियर. तो अर्लियर फिनिश किया अल्बर्ट ने. क्यों? अल्बर्ट ने कम टाइम लिया इसलिए. एंड हाउ मच अर्लियर. तो हाउ मच अर्लियर फाइंड करने के लिए हाउ मच अर्लियर फाइंड करने के लिए बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो. तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है. तो वी विल हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 3 and 2, विच इज 3 into 2, बिकॉज 3 and 2 आर कोप्राइम नंबर्स. आंसर इज 6. तो 3 को 6 बनाया, 2 से मल्टीप्लाई किया. 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया. 2 को 6 बनाया, 3 से मल्टीप्लाई किया. 9 को 3 से. सो दिस इज 28 by 6 माइनस 27 by 6. लाइक फ्रैक्शन बन गए. 28 minus 27 by 6, विच इज 1 by 6. कितना टाइम लगा उसको? 1 by 6 hours कम लगा, या उसको 1 by 6 hours ज़्यादा लगा. ओके, हाउ मच अर्लियर? 1 by 6. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अभी. क्वेश्चन नंबर 9. टू कंटेनर्स टुगेदर कंटेन 6.5 liters ऑफ मिनरल वाटर. टोटल क्वांटिटी कितना है? 6.5 liters. इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं. 2 into 6 plus 1 upon 2, विच इज 12 plus 1 upon 2, विच इज 13 by 2 liters. वन ऑफ द कंटेनर कंटेन्स 3 by 11 liters ऑफ मिनरल वाटर. क्वांटिटी इन वन कंटेनर कितना है? 3 by 11 liters. फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अदर कंटेनर. देखो दो कंटेनर मिला के इतना है, एक में इतना है, तो क्वांटिटी इन अदर कंटेनर कितना होगा? क्वांटिटी इन अदर कंटेनर कितना होगा? टोटल माइनस एक का क्वांटिटी. तो मुझे चाहिए एलसीएम ऑफ 2 and 11, बट 2 and 11 आर कोप्राइम नंबर्स. देयरफॉर एलसीएम इज 2 into 11, विच इज 22. तो 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 22 बनाने के लिए 13 को 2 से.
11 को 2 से, 3 को 2 से, ओके. सो दिस इज 26 बाय 22 माइनस 6 बाय 22, ओके. तो ये लाइक फ्रैक्शन बन गए, तो 26 माइनस 6 अपॉन 22 विच इज 20 बाय 22. 20 को लिखता हूँ 2 इंटू 10, 22 को 2 इंटू 11, ओके फाइन. तो 2 कैंसिल, 10 बाय 11, 13 बाय 2 माइनस 3 बाय 11, ओके. 13 बाय 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 13 को भी 11 से मल्टीप्लाई किया. ये क्वेश्चन देखो गलत हो गया यहाँ पे, इसको फिर से सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, ओके. तो टू कंटेनर्स टुगेदर कंटेन 6.5 liters ऑफ मिनरल वाटर. तो टोटल क्वांटिटी कितना है इसका, 6.5 liters, मतलब 2 into 6 plus 1 upon 2 which is 13 by 2 liters, ठीक है. One of the containers contain 3 by 11 liters. So quantity in one container कितना है, 3 by 11 liters. So quantity in other container कितना होगा, टोटल माइनस पहले कंटेनर का क्वांटिटी. तो अभी एलसीएम ऑफ 2 एंड 11 लेना है, वो तो एलसीएम बराबर निकला था अपना. एलसीएम ऑफ 2 एंड 11 इज 2 इंटू 11 विच इज 22, बिकॉज 2 एंड 11 आर को प्राइम नंबर्स. सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक हो गया था. देखो 2 को 22 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई किया, 13 को 11 से, 11 को 22 बनाने के लिए 2 से, 3 को 2 से. तो 13 इंटू 11 इज 143 अपॉन 22 माइनस 6 अपॉन 22 विच इज 143 माइनस 6 अपॉन 22 विच इज 137 अपॉन 22, ओके फाइन. 143 माइनस 6 137. तो 22 इंटू 6 कितना है, 6 टू 12 132. तो ये बना अपॉन 22, रिमाइंडर आएगा 5, क्वेश्चन आएगा 6, फाइन. नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर. एक काफी बड़ा लेक्चर हो गया, ठीक है. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 10, ओके. ऑलमोस्ट एक घंटे का लेक्चर है. रानी टेक्स 1.5 hours टू फिनिश हर होमवर्क, प्लेस फॉर हाफ आवर, वॉचेस टीवी फॉर 2/3 hours. हाउ मच टाइम डज शी टेक फॉर ऑल द 3 एक्टिविटीज. क्वेश्चन नंबर 10, सिली क्वेश्चन है. होमवर्क के लिए कितना टाइम लगा है उसने, होमवर्क के लिए 1.5 hours. तो इसको इम्प्रॉपर में करते हैं, 2 into 1 plus 1 upon 2 which is 2 plus 1 upon 2 which is 3 by 2. उसके बाद प्ले कितना घंटा किया उसने, प्ले इज हाफ आवर, तो उसका टेंशन नहीं है. और टीवी कितने घंटे देखा, टीवी 2/3 hours. क्वेश्चन क्या है, हाउ मच टाइम डज शी टेक फॉर ऑल द 3 एक्टिविटीज. टोटल टाइम is 3 by 2 plus half plus 2 by 3. तो 2 और 3 का LCM लेना है, ओके. LCM of 2 and 3, but 2 and 3 are co-prime numbers, so LCM is 2 into 3 which is 6. तो 2 को 6 बनाने के लिए 3 से multiply किया, 3 को 3 से multiply किया. 2 को 6 बनाने के लिए 3 से multiply किया, 1 को 3 से multiply किया.
3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज 9 बाय 6 प्लस 3 बाय 6 प्लस 4 बाय 6, लाइक फ्रैक्शन बन जाए, 9 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 6, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 4 9 प्लस 3 12 प्लस 4 16 बाय 6 ओके तो 16 बाय 6, 16 को लिखा 2 इंटू 8, 6 को लिखा 2 इंटू 3, 2 टू कैंसिल, तो ये बन गया 8 बाय 3 विच इज 2 2 बाय 3 आवर्स, ये हो गया आपका आंसर एंड दैट टेक्स केयर ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। काफ़ी बड़ा और अच्छा रहा ये लेक्चर मेरे हिसाब से तो अच्छा रहा, अभी आप बताइए कैसे रहा, तो ठीक है चलो थैंक यू।